हेलो दोस्तों, अगर आपने बहुत सारी वीडियोस को देख डाला लेकिन अब तक आपके इन्फिनिक्स फ़ोन की FRP बाईपास नहीं हो पाई है तो एक बार इस वीडियो को पूरा देखो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को डिसलाइक मार के कमेंट में जो मर्जी वो लिख देना, लेकिन एक बार इस वीडियो को पूरा देखो। तो दोस्तों नमस्कार, आज के इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ कि आप इन्फिनिक्स के किसी भी फ़ोन का, तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि आप इन्फिनिक्स के किसी भी फ़ोन का जिसमें एंड्रॉयड 12 हो और उसमें एंड्रॉयड सेटअप फेल्ड आ रहा हो, फोनिक्स ब्राउज़र जो होता है वो नहीं शो हो रहा हो, टॉकबैक नहीं काम कर रहा हो, एक्सर मिनी जो मेथड होता है वो वर्क नहीं कर रहा है, FRP बाईपास APK या फिर गूगल अकाउंट मैनेजर 8, 9, 10 नहीं वर्क कर रहा है, एकदम लेटेस्ट सिक्योरिटी पे जो फ़ोन है आपका दिसंबर की सिक्योरिटी पे, जो लेटेस्ट सिक्योरिटी पे अपडेटेड फ़ोन है उसको बाईपास करना सिखाऊंगा आज की वीडियो में। तो दोस्तों प्लीज़ वीडियो में बने रहें, अगर आपको वीडियो पसंद ना आए तो प्लीज़ वीडियो को डिसलाइक मार देना और कमेंट में जो मर्जी वो बोलना, लेकिन एक बार इस वीडियो को पूरा देख लेना मेरे भाई। चलो मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे इसको बाईपास करना है। सबसे पहले आपको दिखा देना चाहूँगा, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर देख लीजिए एक लॉक बना हुआ है, ठीक है। ये लॉक बना हुआ इट मीन्स कि आपका फ़ोन प्रोटेक्टेड है गूगल के थ्रू, ठीक है, आपके फ़ोन में FRP लॉक लगा हुआ है। नेक्स्ट करके दिखाता हूँ आपको, नेक्स्ट नेक्स्ट एंड एस्केप बटन पे क्लिक कर देंगे, वाईफाई वाले सेक्शन में चले जाते हैं। एक बार इसको डिसकनेक्ट करके जैसे ही हम कनेक्ट करेंगे, देखिए जैसे ही मैं कनेक्ट करता हूँ इसको, थोड़ी देर बाद आपके सामने इस तरीके का ऑप्शन आ जाएगा, किस तरीके का मैं आपको दिखाता हूँ, थोड़ा सा वेट करें। नेक्स्ट बटन पे हम क्लिक कर दें, नेक्स्ट बटन पे हम क्लिक कर दें और जैसे ही आपको दिखाई दे गेटिंग योर फ़ोन रेडी, थोड़ा सा वेट करें और आपको दिखा देता हूँ उसके बाद इसके FRP बाईपास पे हम चलते हैं। बहुत सारी आपने वीडियो देख ली, आपने एंड्रॉयड सेटअप वाली प्रॉब्लम को फेस करा कि एंड्रॉयड सेटअप वर्क नहीं कर रहा है, ठीक है, बहुत सारी मेथड जो थे, और मैंने ही एक वीडियो बनाई है उसमें फोनिक्स ब्राउज़र जो था वो आ रहा था, लेकिन इस वाले मेथड में, इस वाला जो तरीका है, इस वाली लेटेस्ट सिक्योरिटी में वो फोनिक्स ब्राउज़र भी हट गया है, तो उसको भी हम बाईपास करना सीखेंगे, बस इस वीडियो को पूरा देखना। चलिए डोंट कॉपी पे हम क्लिक करते हैं, देखते हैं कि इस फ़ोन में FRP लॉक लगा भी है या नहीं। तो दोस्तों जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, पहले ही आपको यहाँ पे मिल जाता है, यहाँ पे बोल रहा है कि आप अपना पैटर्न पिन पासवर्ड जो भी आपने लॉक लगाया होगा लॉक तोड़ने से पहले यहाँ पे दिखा देगा और यूज बाई गूगल अकाउंट इस पे क्लिक कर देना होगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको प्रैक्टिकल बता रहा हूँ इन्फिनिक्स स्मार्ट 7 फ़ोन पे कि इस फ़ोन में कैसे हम इस फ़ोन की FRP को बाईपास करेंगे। चलिए हम आपको दिखाते हैं, सिंपली यहाँ पे देखिए स्किप का कोई भी बटन नहीं है, नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख लीजिए कुछ इस तरीके से ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। तो दोस्तों हम देख पा रहे होंगे यहाँ पे जैसा कि तो दोस्तों आपको क्या करना है, सिंपली बैक चले जाना है। अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप तरीके से गाइड कर रहा हूँ, बता रहा हूँ कि कैसे करना है, सारा कुछ इस वीडियो में पूरा कंप्लीट गाइड दूंगा दोस्तों। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो अब आपको क्या करना, सिंपली स्किप बटन पे क्लिक कर देना है, आपको वाईफाई वाले सेक्शन में आ जाना है। ये जो वाईफाई वाला सेक्शन है मैं आपको फिर से दिखा दूँ ताकि आपको एकदम एग्जैक्ट क्लियर हो जाए कि यहाँ पे देखिए लैंग्वेज वाले सेक्शन में आप थे, नेक्स्ट पे क्लिक किया आपने और सिंपली यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे, स्किप बटन पे क्लिक कर देंगे। वाईफाई वाले सेक्शन में आ जाने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे तो दोस्तों ये QR दिख जाएगा। तो दोस्तों मैं आपको एक बार फिर से बता दूँ कि इस फ़ोन में हम इस बहुत ही इजी तरीके से FRP बाईपास करेंगे। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, नियर बाय शेयर पे हम क्लिक कर देंगे, ठीक है, टर्न ऑन पे क्लिक कर देंगे, नीड हेल्प शेयरिंग इस पे क्लिक कर देंगे। लेटेस्ट सिक्योरिटी पे अपडेटेड फ़ोन है दोस्तों, आपको बहुत ही बेहतर तरीके से बताऊंगा। यहाँ पे 3 लाइन दिख रही है, 3 डॉट, यहाँ पे क्लिक करेंगे, शेयर आर्टिकल, शेयर आर्टिकल पे हम क्लिक कर देंगे। अभी यहाँ पे देखिए फोनिक्स आ चुका है, फोनिक्स अगर ना भी है उसके लिए भी हम मेथड अप्लाई कर लेंगे, ठीक है। अगर ये ऑप्शन आपके फ़ोन में नहीं आता तो यहाँ पर चले जाएंगे, ठीक है, तो हम यहाँ पर ही सीधे चले जाते हैं, इसको अभी ऑप्शन है। चलिए मैं आपको यहाँ से करके दिखाता हूँ ताकि आपके फ़ोन में प्रॉब्लम कोई ना आए। यहाँ पे क्लिक करें, अगर फोनिक्स ब्राउजर नहीं आता उसके बाद भी, न्यू मैसेज पे हम क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखिए ये जो 2 है मतलब किसको भेजना है मैसेज, तो सिंपली 198 पे सर्च कर लेंगे, सेंड पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पे क्या करना है, इसको सारे को कट करके जितने भी हैं इसको www.youtube.com यहाँ पे सेंड पे क्लिक करेंगे। भले आपके फ़ोन में सिम ना लगा हो लेकिन ये वर्क करेगा। अब टैप टू लोड प्रीव्यू पे क्लिक कर देंगे,
ठीक है। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कोई भी सिम कार्ड नहीं लगा हुआ है दोस्तों, ठीक है, कोई भी सिम कार्ड नहीं लगा है आप देख पा रहे होंगे। अब आपको सिंपली यहाँ पे क्लिक कर देना है, आपका यूट्यूब खुल जाएगा, ठीक है। यूट्यूब खुल चुका है, सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे और सेटिंग में चले जाएंगे और यहाँ पर चले जाना है आपको हिस्ट्री एंड प्राइवेसी में, यूट्यूब टर्म ऑफ सर्विस इस पर क्लिक कर देना है, एक्सेप्ट पे क्लिक करके नो थैंक्स पे क्लिक कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पर आप आ चुके हैं तो आपको करना क्या होगा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे चले जाइए, लिखना है एड रोम। ये एड रोम जो साइट है दोस्तों ये थोड़ी सी फास्ट चलती है, इसलिए मैं आपको ये रिकमेंड कर रहा हूँ, ठीक है। आपको इस साइट पे चले जाना है और खोल लेना है, जल्दी ही अपनी साइट पे काम चल रहा है और हमें दूसरी साइट को ओपन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो सिंपली आपको यहाँ पे ओपन सेटिंग पे क्लिक कर देना है। अब हम देख रहे हैं सेटिंग में आ चुके हैं लेकिन अभी तक आपका फ़ोन खुला नहीं है दोस्तों, ठीक है, अभी तक आपका फ़ोन खुला नहीं है। तो हम नीचे चले जाएंगे, ठीक है। आपको सर्च करना है, देखिए कहीं पर ढूंढ लेना है जो कि होगा स्पेशल फंक्शन, ठीक है। स्पेशल फंक्शन आपको दिखा, स्पेशल फंक्शन पे हम क्लिक कर देंगे और दिखेगा एक्सेसिबिलिटी, तो एक्सेसिबिलिटी पे हम क्लिक कर देंगे। देखिए ये है एक्सेसिबिलिटी मेनू, इस पर हम क्लिक कर देंगे और इसको ऑन कर लेंगे, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। इसको ऑन करते ही यहाँ पे एक आइकॉन बन गया, ठीक है, ये, ठीक है, इस तरीके से ऑप्शन, ठीक है, इसको देख लीजिए, बैक कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाने के बाद आपको सिंपली यहाँ पर देखिए दिखाई दे रहा होगा एक्स लैब के, एक्स ओ एस लैब के ऊपर डिजिटल वेलबींग पेरेंटल कंट्रोल, इस पे आपको क्लिक कर देना है, यहाँ पे आ गए, गुड। उसके बाद आपको यहाँ पे देखिए एकदम नीचे सेटअप पेरेंटल कंट्रोल, इस पे आपको क्लिक कर देना है, गेट स्टार्ट पे क्लिक कर देना है, पेरेंट पे क्लिक करके गेट फैमिली पे क्लिक कर देना। अब थोड़ा सा समझना है, यहाँ पे पाम स्टोर पे क्लिक करके ऑलवेज कर देना ताकि जब भी खुले ऑलवेज ये पाम स्टोर ही खुले, ठीक है, पाम स्टोर ही खुलना चाहिए। गो पे क्लिक कर दें और सिंपली इस सर्च बार में, ठीक है, इस सर्च बार में ACT एक्टिविटी एक्टिविटी लॉन्चर, ये देखिए एक्टिविटी लॉन्चर है, ठीक है। मैं आपको इसका आइकॉन दिखा दे रहा हूँ बड़ा सा, देखिए कुछ इस तरीके का दिखता है ये। अब आपको इसको इंस्टॉल कर देना है, ठीक है, ये इंस्टॉल होना शुरू हो रहा है, यहाँ पे देखिए इंस्टॉलिंग शुरू हो गई, इंस्टॉल हो चुका है, ठीक है। अब इंस्टॉल होने के बाद ओपन का ऑप्शन आएगा, ठीक है, ओपन का ऑप्शन आएगा, ओपन पे हम क्लिक कर देंगे, ओके पे क्लिक कर देंगे। ये जो फीचर एनेबल मैंने करवाया वो क्यों करवाया अभी आपको समझ में आ जाएगा, थोड़ा सा वेट करें। तो दोस्तों बता दूं एंड्रॉयड सेटअप का जो प्रॉब्लम था, एंड्रॉयड सेटअप फेल्ड की, वो प्रॉब्लम इस बार नहीं आएगी। हम देखेंगे क्यों और कैसे हम उसको करेंगे। इस तरीके से एक्टिविटी लॉन्चर आपका खुल गया ना, आपको देखिए यहाँ पर एंड्रॉयड सेटअप, इस पर हम क्लिक कर देंगे। अभी आप लोगों ने वीडियो देखा होगा तो उसमें बताया क्या जा रहा है कि यहाँ पे देखिए जितने भी हैं उसके आगे एक आइकॉन है, लेकिन एक ऐसा भी ऑप्शन है जहाँ पे आइकॉन नहीं है, इस पर क्लिक करने से होता है लेकिन नहीं होता दोस्त, आप करके देख लेना। मैं आपको एकदम स्ट्रेट टू द पॉइंट लेकर जाना चाहता हूँ तो मैं आपको दिखा दूँ फिर से। अब यहाँ से देखिए इसको मैं मिनिमाइज कर देता हूँ, हो गया ना। अब आपको इसको इस पर क्लिक कर देना और एकदम नीचे चले जाना है, एकदम नीचे, ठीक है, एकदम नीचे जहाँ से ये लास्ट हो, ठीक है। अब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38,
पे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे देखिए फर्स्ट वाले पे मैं क्लिक करूँगा और इस तरीके से फेल्ड हो चुका है। नहीं हुआ ना, कोई प्रॉब्लम नहीं, परेशान नहीं होना। और कुछ लोगों के जहन में ये सवाल आ रहा होगा कि ये फ़ोन यहाँ पे क्या कर रहा है, इसका भी यूज बताऊँगा दोस्तों आगे। लेकिन हम यहाँ पे देखिए ये अब इसका यूज आ चुका है, इस पर हम क्लिक करेंगे और इस पर क्लिक करके बोलना है ओपन सेटिंग, ओपनिंग सेटिंग, कुछ इस तरीके से आपको ओपन सेटिंग बोल देना है। अब फिर से नीचे चले जाना है और दिखाई देगा डिजिटल वेलबींग,
ठीक है। अब नीचे चले जाना है, सेटअप पैरेंटल कंट्रोल, गेट फैमिली लिंक पे क्लिक करते ही आपका पाम स्टोर खुल जाता है। गुड, ओके। और यहाँ पर जाएंगे, ठीक है, और आपको फिर से सर्च करना है। ध्यान दीजिएगा, इस बार हमने एक्टिविटी लॉन्चर को हम ओपन कर देंगे। इस बार आपको एक्टिविटी लॉन्चर को इंस्टॉल नहीं करना होगा। अब हमने इस पे पहले बारी में क्लिक किया था, अब इस पे क्लिक करेंगे, ठीक है। इस पे मैंने क्लिक किया, ये ऑप्शन देखिए प्रिपेयर हुआ। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर ये पहली बार में नहीं होता, देखिए ये प्रॉब्लम आ गई ना, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों। सिंपली यहाँ पे चले जाएंगे, फिर से एक बार यहाँ पे क्लिक करेंगे, ओपन सेटिंग, ओपनिंग सेटिंग सेटिंग्स। खुल गई। फिर से हम वही प्रोसेस करेंगे, ध्यान दीजिएगा। डिजिटल वेलबींग एकदम नीचे, सेटअप पेरेंटल कंट्रोल, गेट फैमिली लिंक हो गया, गो पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे एक्टिविटी, ए सी टी, लिखते ही आपका एक्टिविटी खुल जाएगा, ए सी टी। यहाँ पे लिखते हैं, ओपन का ऑप्शन है, उस पर ओपन पे क्लिक कर देंगे। अब इसको किया, फिर ये किया, अब फिर से हमको ऊपर वाला ही करना है, इस तरीके का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। ये ऑप्शन आने के बाद आप ध्यान से देखिएगा, स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे, ठीक है। स्टार्ट बटन पे क्लिक करते स्किप का ऑप्शन आ गया, स्किप पे क्लिक करेंगे। उसके बाद अब देखेंगे कि आगे का प्रोसेस क्या है, दूसरे फ़ोन की नीड पड़ने वाली है दोस्तों, तो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे देखिए, लेट्स कॉपी योर डेटा, तो सिंपली हाँ नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखिए नो केबल, नो केबल पे क्लिक करेंगे, कॉपी विदाउट केबल, इस पे क्लिक कर देंगे, नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। इस तरीके का ऑप्शन आएगा और आपसे आपका पैटर्न लॉक मांगने लगेगा, ठीक है। तो घबराना नहीं है, बिल्कुल भी घबराना नहीं है, इस पर क्लिक कर देना है, यूज माई गूगल अकाउंट इंस्टेड। इस पर क्लिक करते ही आपके सामने इस तरीके का ऑप्शन आएगा, सिंपली नेक्स्ट नेक्स्ट। और यहाँ पर देखिए, वेरीफाई योर डिवाइस, फाइंड सम नेम्स, और यहाँ पे देखिए आपके ये जो फ़ोन है उसका डिवाइस का नेम, तो ये फ़ोन कुछ इस तरीके का है, देख लीजिए मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। और यहाँ पर इस तरीके से मैं इसको रख देता हूँ, रख दिया मैंने। अब आपको दूसरा फ़ोन लेना है, एक कोई भी फ़ोन हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि वो रेडमी, शाओमी, एम आई इन्फिनिक्स, कोई भी कंपनी का हो, ठीक है। आपको बस वो फ़ोन की प्ले स्टोर वर्किंग होना चाहिए, ठीक है, और आपको उस फ़ोन की ईमेल आईडी याद होनी चाहिए, ईमेल आईडी और पासवर्ड दोनों याद होनी चाहिए, ठीक है। तो जैसा कि देख लीजिए, अब मैं आपको दिखाता हूँ, वाईफाई से मैं कनेक्ट कर चुका हूँ, अब ये वर्किंग है, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, सबसे पहले मैं आपको दिखा दूँ, इसमें प्ले स्टोर वर्किंग है, सब कुछ वर्किंग है, इसमें ईमेल आईडी होनी चाहिए जिसका ईमेल आईडी और पासवर्ड आपको याद हो, ठीक है। ईमेल आईडी की तो ज़रूरत नहीं, इसमें एक ईमेल आईडी और बस पासवर्ड उसका याद होना चाहिए, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे ईमेल आईडी में इसमें है, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, ईमेल आईडी इसका इस ईमेल आईडी का पासवर्ड आपको याद होना चाहिए। मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, ये फ़ोन कुछ इस तरीके का है, सॉरी बट हमें अपने काम से मतलब है, ठीक है। अब आपको ये जो दूसरा सेकेंडरी फ़ोन लिया आपने, आपको इसमें गूगल सर्च करना है, गूगल कहीं पर मिल जाए तो हम यहाँ पर चले जाएंगे। ये देखिए, ये है गूगल, इस पर हम क्लिक कर देंगे, ठीक है, हमने क्लिक करा, ठीक है। अब यहाँ पे माइक वाले आइकॉन पे टाइप करके बोलना है सेटअप माई डिवाइस, क्या बोलना है, सेटअप माई डिवाइस, मैं आपको दिखाता हूँ। सेटअप माई डिवाइस, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये हो जाएगा दोस्त, इस तरीके से ऑप्शन आएगा, गेटिंग स्टार्ट। अभी आप यहाँ पर देखेंगे हलचल कुछ दिखेगी, आपको दिखाता हूँ। ये देखिए वेरीफाइड डिवाइस, यहाँ पे देखिए, बस नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए। अभी जो कोड यहाँ पर होगा, ठीक है, जो कोड यहाँ पर होगा वो कोड यहाँ पर भी होगा, इस आपका जो आपका फ़ोन सेकेंडरी उसकी ईमेल आईडी इसमें एंटर करेंगे, बाईपास करेंगे हम। सर्चिंग फॉर डिवाइसेस लिखा हुआ आ गया, कोई बात नहीं, हम वेट करेंगे। कनेक्टिंग लिखा हुआ आ गया है, बस थोड़ा सा वेट करेंगे, उसके बाद का प्रोसेस हम देखेंगे। यहाँ पे देखिए 4806, 4806 आ गया, सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे हम। बोला कॉपी और कॉपी टू योर न्यू डिवाइस, कॉपी पे क्लिक कर देंगे, ठीक है, कॉपी पे हमने क्लिक कर दिया। अभी इस तरीके से कॉपिंग योर अकाउंट लिखा हुआ आ रहा है, तो अब आपको क्या करना वो देखेंगे हम, ठीक है। तो दोस्तों थोड़ा सा वेट करें, घबराए ना, बस थोड़ा सा वेट करें। उसके बाद आपसे बोल रहा कि वेरीफाई इट्स यू, कह रहा कि वेरीफाई कीजिए कि आप ही हो,
तो इस जो आपका दूसरा सेकेंडरी फोन उसका पासवर्ड यहाँ पे डालना है हमको, तो डालता हूँ मैं। इस तरीके से नेक्स्ट कर दे रहा हूँ, ठीक है। जैसे ही मैं पासवर्ड डालकर नेक्स्ट करता हूँ तो इस तरीके से आपके सामने ऑप्शन आता है कॉपिंग योर डेटा। थोड़ा सा वेट करें, ठीक है, थोड़ा सा वेट करें बस, उसके बाद का प्रोसेस हम देख लेते हैं। तो थोड़ा सा वेट करने के बाद आगे का प्रोसेस आप समझेंगे, और उसके बाद हम बहुत ही इजी तरीके से जो भी आपका इन्फिनिक्स का फ़ोन है, इन्फिनिक्स स्मार्ट सेवन या फिर इन्फिनिक्स का कोई भी फ़ोन है जिसमें एंड्रॉयड 12 हो और ये सब जो मैंने बताया एंड्रॉयड सेटअप, फोनेक्स, टॉकबैक, ये सब वर्क नहीं कर रहे हूँ, उसके लिए मैं बता रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। सिंपली अगर आप ये हो चुका ना, सिंपली आप यहाँ पे इस आप अपने वाले जिसमें लॉक लगाया उस पर डोंट कॉपी पे क्लिक कर सकते हैं। डोंट कॉपी पे क्लिक कर दीजिए, ठीक है, नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए। नेक्स्ट आपने क्लिक कर दिया, ओके, कोई दिक्कत नहीं, अब कॉपी करने की जरूरत नहीं। मोर, लेकिन बैक मत कीजिएगा, ये वाला जो इस फोन की ईमेल आईडी थी इसमें भी आ चुकी है। सिंपली स्किप पे क्लिक करेंगे, स्किप एनीवे पे क्लिक कर देंगे दोस्तों, और उसके बाद यहाँ पर देखिए ये बोल रहा गूगल असिस्टेंट के लिए, तो हम सिंपली स्किप कर देंगे, ठीक है। अब स्किप करने के बाद आपको यहाँ पे फिर से स्किप पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे नो थैंक्स पे क्लिक कर देना है। जैसे आप नो थैंक्स पे क्लिक कर देते हैं, थोड़ा सा वेट करते हैं और इस फ़ोन की अब ज़रूरत ख़त्म हो चुकी है, ठीक है। इस फ़ोन की हमें ज़रूरत अब नहीं है दोस्तों, अब हमें बस इसी का काम है, थोड़ा सा वेट करना है, उसके बाद आपके फ़ोन की प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो चुकी है, आपका फ़ोन पूरी तरीके से सेटअप हो चुका है। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे, सारा कुछ पूरी तरीके से वर्किंग है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगी दोस्तों। अब आप अपने फ़ोन को एक बार फॉर्मेट कर सकते हैं, सेटिंग में चले जाएं, नहीं करेंगे फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आप कर लीजिए। यहाँ पे सिस्टम पे चले जाएंगे, ठीक है, रीसेट फ़ोन पे क्लिक करके रीसेट कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम। लेकिन जाते जाते एक चीज़ और, तो दोस्तों मैं आपको इसका सेटअप दिखा देता हूँ, आपको दिखा दे रहा हूँ, सॉरी, माई फोन, यहाँ पर चले जाता हूँ, इन्फिनिक्स स्मार्ट सेवन प्रैक्टिकली दिखा दे रहा हूँ, और इन्फिनिक्स X6517, ठीक है, एंड्रॉयड 12, और इसमें आप देख लीजिए, तो दोस्तों यहाँ पे देख पा रहेंगे आप एंड्रॉयड 12, ठीक है, और एंड्रॉयड सिक्योरिटी अपडेट 5 दिसंबर 2023, एकदम लेटेस्ट सिक्योरिटी पे अपडेटेड है दोस्तों, देख लीजिए लेटेस्ट सिक्योरिटी पे अपडेटेड है ये फ़ोन। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।